अब जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। क्या है सर? एक लैंग्वेज है, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। भाषा इन द सेंस कि मीडियम। भाषा क्या है? एक मीडियम है, यानी लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। भाषा एक माध्यम है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, है ना? ये होता है। अब अगर हम लोग लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब ये होता है ऐसी भाषा, ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर पाएँ। क्या कर पाएँ? प्रोग्रामिंग कर पाएँ। प्रोग्रामिंग का मतलब किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएँ, किसी प्रकार का वेब डेवलप कर पाएँ। अब सॉफ्टवेयर तो आप लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं? आज के डेट में जितना भी कंप्यूटर है, जितना भी डिजिटल डिवाइस है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर पे ही चलते हैं। चलते नहीं चलते हैं सर? किस पे चलते हैं? सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये सॉफ्टवेयर आसमान से टपकते नहीं, कटहल के पेड़ से निकलते नहीं, कहाँ से आते हैं सर? इसको बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया जाता है। हमको किसने बनाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक परवरदिगार ने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया। किसने बनाया बाबू? अब बुझा रहा ना, ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है ना? तभी तो आप कहते हैं द गॉड इज जनरेटर। क्या कहते हैं बाबू? द गॉड इज, बोल बोलते कहीं नहीं हो। गॉड क्या है सर? जनरेटर है। क्या है? जनरेटर है। यही बती आप अपने मोहल्ले में जाकर, गॉड मतलब जनरेटर होता है। हाँ, पगला गया है। आई पा का कराला हमारी को, गॉड जनरेटर है क्या? कि उसको जनरेटर का मतलब नहीं पता है? जनरेटर का मतलब क्या होता है दोस्त? पैदा करने वाला, पैदा फरमाने वाला। तो क्या अल्लाह ने हमें पैदा नहीं फरमाया? अल्लाह ने हमें बनाया नहीं बनाया? जनरेटर भी बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिसिटी। द गॉड इज जनरेटर। समझ में आया? तो अब गॉड ने हमको बनाया और हम इस दुनिया में अपने काम को आसान करने के लिए क्या बनाते हैं सर? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो हमारे बड़े मुश्किल मुश्किल कामों को आसान कर देता है कि नहीं? ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है जिसे हम लोग कैमरा कर रहे हैं, ये कैमरा भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर रहा है, एक एप्लीकेशन के थ्रू काम कर रहा है। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा है, यानी कंप्यूटर के भाषा में, उसके लैंग्वेज को सीख के उस भाषा में हम लोग कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। जिस भाषा में कंप्यूटर से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों को समझा पाते हैं, उसे कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। और उसी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। क्या नाम है सर? जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सर क्या है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जब आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, कोई कोडिंग लिखने जाएंगे किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके, तो बहुत बार होता है कि गलतियाँ होती हैं, टाइपिंग मिस्टेक होता है ना? तो जब टाइपिंग मिस्टेक आता है किसी प्रकार के प्रोग्राम को लिखने में, तो प्रोग्राम रन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? रन नहीं करता है। जैसे ही आप उसे रन कराने जाइएगा, उसमें एरर आ जाएगा, थोड़ा सा भी टाइपिंग मिस्टेक होगा तो। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है कि नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा बात नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसा बात है कि अगर आप माइनर मिस्टेक करते हो तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। इसी फीचर की वजह से जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त? स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है सर? एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हमको नहीं लगता कि इससे बेहतर अंदाज में आपको बताया जाएगा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। समझ में आ गया? दूसरा चीज, अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे काहे करेंगे, क्यों करेंगे? तो हमने आपको बताया था कल कि अगर जावा स्क्रिप्ट का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ किया जाता है मॉडिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? मॉडिफाई करने के लिए। किस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए? तो वेब को मॉडिफाई करने के लिए। ये वेब क्या होता है भाई? तो इंटरनेट के माध्यम से जो भी लिंक हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए, उसे वेबसाइट कहा जाता है। और उस वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, जिस HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है सर?
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक वेब को डेवलप कर सकते हैं, एक वेब बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, एक वेब बना सकते हैं, यानी HTML का यूज करके वेब का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं, वेब का बेस रख सकते हैं, वेब का नींव रख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा? जैसे हमने कल आपको बताया था कि एक घर बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ती है, तो ईंट पे ईंट रख के मैंने क्या कर दिया, एक घर बना दिया। लेकिन उस घर में अब फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, क्या करने की, फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार का फैसिलिटी हमको चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पंखा लगाते हैं, स्विच बोर्ड लगाते हैं, चेयर लगाते हैं, है ना, सोफा लगाते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ इसी प्रकार का काम जावास्क्रिप्ट का भी है। HTML का काम होता है सिर्फ वेब को बना देना, और वेब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है सर, जावास्क्रिप्ट करता है। बुझाया नहीं बुझाया, समझ में आ रहा है? अब आज देखते हैं सर जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का काम भी समझ में आ गया। जावास्क्रिप्ट हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, उससे पहले किस चीज़ों पे मैंने फोकस करा है। आप दुनिया में वर्ल्ड में कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करने जाओगे, तो कुछ ऑप्शन जो मैंने आज रखा है, कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, और हर लैंग्वेज में इसका यूज़ किया जाता है, होना ही होना है। आप अपने मन से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बेस है। क्या है ये बेस है, और ये बेस क्या है मैंने आपके सामने रखा है, सोर्स कोड। ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट नहीं बता रहे हैं, किसी भी दुनिया में किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करने जाइएगा तो ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला बेसिक चीज क्या होता है, जब आप एक प्रोग्राम लिखने जाते हो तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि सर सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड मैंने एक यहां पे वर्ड रखा है, क्या रखा है सर, सोर्स कोड एक वर्ड रखा है। सबसे पहले जान लेते सर ये सोर्स कोड का यूज क्या है। हमने यहाँ पे लिखा सोर्स कोड और लिखा है अ कोड दैट इज रिटन बाय डायरेक्टली प्रोग्रामर दैट इज नोन एज सोर्स कोड। वैसा कोड जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है उस कोड को सोर्स कोड कहते हैं। अब हु इज प्रोग्रामर, प्रोग्रामर कौन है, आप हो हम हैं। हमको एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, एक वेब को डेवलप करना है, तो पहले प्रोग्राम लिखोगे ना भाई, टाइप करोगे ना। तो जो आप लिखते हो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, टाइप करते हो प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। क्या कहता है दोस्त, सोर्स कोड कहा जाता है ना। हम लोग जो भी टाइप करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए उसे सोर्स कोड कहा जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस सोर्स कोड को और डीपली पढ़ते हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं। तो मैंने कहा द प्रोग्रामर राइट इंस्ट्रक्शन इन टेक्स्ट फॉर्मेट। एक प्रोग्रामर जो होता है अपने प्रोग्राम को लिखता है या फिर इंस्ट्रक्शन को लिखता है किस फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। आप एक प्रोग्राम लिखिएगा अल्फाबेट का यूज करके लिखिएगा ना भाई, कि यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट। आप किसी भी अल्फाबेट का यूज करके एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट का यूज करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब अगर आप मैथ वगैरह पढ़े तो कॉन्स्टेंट के बारे में जानते होंगे, स्थिर वैल्यू, स्थिर वैल्यू है ना। तो स्थिर वैल्यू का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को लिख सकते हैं। हालांकि कॉन्स्टेंट एक पॉइंट है जिसको, और एक टॉपिक ही है, इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्या जानते हैं, कॉन्स्टेंट का भी यूज करते हैं प्रोग्राम को लिखने में, एंड वेरिएबल का भी यूज करते हैं। अगर आप लोग मैथ पढ़े हैं 10th में तो वेरिएबल भी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आगे हम इसके बारे में बताने वाले हैं कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है। अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड नंबर्स। और नंबर का यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, और जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या कहा जाता है बाबू, सोर्स कोड कहा जाता है। बोलो ना भाई, क्या कहता है, सोर्स कोड कहा जाता है। आज समझ में आ रहा है ना, कल मूड में नहीं थे, किस में नहीं थे, मूड में थे, पूछो कहाँ हैं, अभी जस्ट कुर्बानी बीता हुआ है और लोड इतना हुआ है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अभी, तो दे इनो तब जाके आज मज़ा आया है कि नहीं दोस्त, बोलते नहीं हैं आप, हाँ। तो हम लोग कहाँ थे दोस्त बताइए, सोर्स कोड। समझ में आ गया सोर्स कोड क्या है। अब आगे और बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि द कंप्यूटर रीड द सोर्स कोड बाय यूजिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर। प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम किधर है, कि हम जो सोर्स कोड लिखते हैं ना, कंप्यूटर डायरेक्टली इसको पढ़ नहीं पाता, उसको बुझाई भी नहीं करता है कि क्या लिखा है सामने वाला, उसको समझ में नहीं आता है कि प्रोग्रामर क्या लिखा है,
है ना, यानी कंप्यूटर हमारी भाषा को डायरेक्टली समझ नहीं पाता है, उसके लिए हमारी भाषा को समझने के लिए वो एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है सर? एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है ना। उस ट्रांसलेटर का क्या नाम है? कंपाइलर। एक और दूसरा ट्रांसलेटर भी है जिसका क्या नाम है? इंटरप्रेटर। क्या नाम है सर? इंटरप्रेटर। तो इसे आप या तो ट्रांसलेटर कह सकते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर का एक मशीन या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जो हमारे सोर्स कोड को कंप्यूटर को समझाने में मदद करता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, हमने आपसे बंगाली में बात शुरू कर दिया है ना, एस वेलकम ऑन आचे भालो आचे वगैरह वगैरह। अब आपको बंगाली आती नहीं और हमको भोजपुरी आती नहीं, अगर कुछ ऐसा मसला है तो हमने गुलाम हबीब को बुलाया, भाई गुलाम हबीब इधर आओ, है ना, ये बंगाली भी जानता है और भोजपुरी भी जानता है, तो हम जो बोलेंगे इसको ये क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाएंगे, तो आप उस बात को समझ लेंगे। देन फिर आप जो बोलेंगे फिर गुलाम हबीब फिर उसको सुनेंगे फिर उसको ट्रांसलेट करके हमारे भाषा में हम तक पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये क्या हो गया? बीच में ट्रांसलेटर हो गए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुताबिक क्या हो गए? ये इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर हो गए। उसी प्रकार से जिस भाषा में हम कोडिंग करते हैं हमारी कोडिंग के इस भाषा को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझता नहीं है, वो उसको समझने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज़ करता है जिस ट्रांसलेटर का नाम क्या है बाबू? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। अब आपके सामने मैं सिर्फ आज पॉइंट दे रहा हूँ। मैं अब देखिए पॉइंट का मतलब एक रोडमैप मिल रहा है, हम लोग आगे कॉन्स्टेंट भी पढ़ने वाले हैं, वेरिएबल भी पढ़ने वाले हैं। कंपाइलर मैंने आपको बता दिया एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, इसको ब्रीफली आगे क्लास में और भी सही से देखने वाले हैं कि अब कंपाइलर किस प्रकार से काम करता है, इंटरप्रेटर किस प्रकार से काम करता है और इसका क्या क्या यूजेज हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आज तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो कोड हम लोग लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और ये कोड क्या हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता है। तो इस कोड को हमारा कंप्यूटर पढ़ने के लिए समझने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ करता है, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है या फिर किसी मशीन का यूज़ करता कर सकता है। वो ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर या फिर मशीन क्या है? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो लैंग्वेज की दुनिया में, कंप्यूटर लैंग्वेज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है या फिर है या फिर रहेगा, है ना, वो क्या है सर? ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है? सोर्स कोड तो पूरा का पूरा बुझा गया, पूरा माथा में घुस गया, घुसा नहीं घुसा, है ना। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? तो मैंने कहा अ कोड दैट ट्रांसलेट द कंपाइलर दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। वो कोड जो ट्रांसलेट कर दिया गया है, वो कोड जो ट्रांसलेट कर दिया गया है किसके द्वारा? कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा, उसे क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड कहा जाएगा। मैंने क्या कहा अभी कि वैसा कोड जो हम लोग टाइप करते हैं उसे क्या कहते हैं सर? सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। लेकिन उस सोर्स कोड को क्या हमारा कंप्यूटर पढ़ पाता है? नहीं पढ़ पाता है। जब हमारा कंप्यूटर उसको पढ़ने में असक्षम रहता है तो वो यूज करता है किसका? एक ट्रांसलेशन मशीन का। और ट्रांसलेशन मशीन का नाम क्या है सर? कंपाइलर या फिर ये स्पाइडरमैन कहां से आ गया? कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर ये कंपाइलर इंटरप्रेटर जब सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में, किसमें सर? सॉरी, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। तो जिस ट्रांसलेट करने के बाद जब वो बन के आता है, जिस कोड में वो तब्दील होता है, उस कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। फॉर एग्जांपल, मैंने इंग्लिश में कुछ आपके सामने रखा है ना, तो इंग्लिश में क्या रखा? सुहेल इज अ गुड बॉय। सुहेल क्या है भाई? एक बेहतरीन लड़का है, अच्छा लड़का है। तो मैंने अभी क्या कहा? सुहेल इज अ गुड बॉय। इसको जब ट्रांसलेट कराते हैं क्या बन गया? हिंदी बन गया। हिंदी में सुहेल एक अच्छा लड़का है। तो अभी मैंने क्या कहा कि ये इसका सुहेल इज अ गुड बॉय का हिंदी वर्जन है, सुहेल एक अच्छा लड़का है। उसी प्रकार से सोर्स कोड को जब ट्रांसलेट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। और इस ऑब्जेक्ट कोड को हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है और रीड कर पाता है कि हमारे प्रोग्रामर ने हमको क्या कहा है, कौन सा काम करने को कहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जो हम लोग लिखते हैं एज अ प्रोग्रामर
उसे क्या कहा जाएगा? सोर्स कोड। और उस सोर्स कोड को क्या किया जाएगा? ट्रांसलेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली उसे समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो ट्रांसलेट किया जाएगा किसके द्वारा? इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर के द्वारा। जब इंटरप्रेटर या कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देगा तो ट्रांसलेशन को क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा सर? ऑब्जेक्ट कोड, है ना। अब द ऑब्जेक्ट कोड इज डायरेक्टली रीड एंड अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। और ये ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है या फिर समझा जा सकता है, राइट ना। यानी ऑब्जेक्ट कोड का मतलब क्या हो गया कि ये कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उस भाषा में चेंज कर दिया गया है हमारे सोर्स कोड को। जब हमारे सोर्स कोड को समझना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट कोड के रूप में, तो काम करना भी शुरू कर देगा जब हम उसे करवाना चाहते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम आपको कोई काम कहेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना। अब अरब में एक आदमी गया बिहार से, है ना, तो अरब वाला आदमी अरबाब ने कहा, हे ताल सदीक। क्या कहा? ताल सदीक, ताल सदीक, रो सावा सवा। क्या कहा भाई? ताल सदीक, रो सावा सवा। अब भाई बिहारी आदमी जाकर बोला, हाँ अढ़ाई होता है, अढ़ाई सवा सवा, अढ़ाई रो सवा सवा ना, अढ़ाई रो सवा सवा। अरे महाराज अढ़ाई होता है, एक तबड़ा खींच के रो सवा सवा। तब नहीं समझ में आ रहा बेचारा, रोने लगा बिहारी, तो बोला ट्रांसलेटर को, बोला रो सवा सवा। तो बोला रो सवा सवा का मतलब जो साथ साथ है, रो का मतलब जाना होता है और सवा सवा का मतलब साथ में जाना होता है। अब बेचारा बिहारी लेबर आदमी चल गया, है ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके सोर्स कोड को सामने वाले ने क्या किया? ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर दिया, रो सावा सावा, गो साथे साथे, सॉरी जाओ जो साथे साथे, है ना। इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के इतने ही काफ़ी है।